बहुत गरीबों बच्चों के लिए जिनके पास खाने कमाने के लिए पैसे भी नहीं है। पढ़ाई जाती है, ABCD पढ़ाई जाती है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। पैसा वाली परेशानी रहा, कापी किताब कपड़न वाली तब नहीं भेजते थे। बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। जब हमारा इंटर फाइनल हुआ तो एक रोहित भैया अपनी रेलवे ट्रेन से गुजर रहे थे, तो साइड में रेलवे स्टेशन कोराजी पड़ता है, कोराजी रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर ट्रेन रुकी और भैया ने उनको देखा, ये अनाथ बेसहारा बच्चे स्टेशन तक खेल रहे थे, न कपड़े से लगते थे, ऐसे ही थे, तो भैया ने उनको देखा और ट्रेन से पूछा। ये उनको देख कर वर्दी में डर गए कि कोई पुलिस आ गया, लेकिन उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, फिलहाल उनको टाटू बांटा और चले गए। उसके दूसरे दिन बाद जब भैया वापस आए तो उन लोगों का नाम लिखा और उनकी पाठशाला शुरू कर दी। और यहाँ तो आए 3 महीने हुए लेकिन गांव में 2 साल से चल रही है। यहाँ पे कक्षा 4 के आते हैं और 5 के आते हैं, कुछ KBS AB के। उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे गाँव के बहुत ही आगे बढ़ के जाएँ। यहाँ एक वो सर आते थे, वो कहते थे ये गरीब बच्चे हैं, उनसे भीख मांगते हैं, वो कहते थे इन्हें एक हर हाथ में कलम पाठशाला में एडमिशन करवाएंगे। अच्छा। तो फिर वो यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया था, वो अपने अपने पैसों से सबको लेकर दे दिया था और 2-3 टीचर किया था, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये वो गरीब बच्चे हैं जिनको कोचिंग पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में जाने के लिए पैसा नहीं है और खाने के लिए पैसा नहीं है, वही बच्चे हैं और इनको एक कोचिंग दी गई हर हाथ में कलम पाठशाला, कि उनमें इनको कोचिंग दी जाती है, उनको यहाँ निःशुल्क पढ़ाया जाता है इन बच्चों को। उनको बुलाकर यहाँ पे लाते तभी से हम पढ़ने लगे थे। 2 बजे से आते हैं, 5:30 बजे छुट्टी होती है। हर हाथ पाठशाला में आपको कापी किताबें? हाँ, सब मिलती हैं। अच्छा, तो और पढ़ाई भी खूब होती? पढ़ाई भी अच्छी होती। तो अब आपका पढ़ाने का मन हो रहा है? हाँ, बच्चे पढ़ेंगे साहब।